भी लड़की जब भी आपसे बात करती है तो क्या फील करती है? तुम उसके लिए क्या इम्पोर्टेंस रखती हो? क्या वो तुम्हें लाइक करती है या फिर डिसलाइक करती है? क्या चाहती है और क्या नहीं चाहती? कैसे समझे सारी बातों को कि क्या वो इंगेज्ड है या फिर सिंगल है? आप पहली ही मुलाकात में वो सारी चीज़ें कैसे समझ सकते हो, कैसे जान सकते हो उसके बातें? चलिए मैं बताती हूँ कि कैसे समझे लड़कियों की सीक्रेट्स बिहेवियर को। सो हेलो लवर्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं इसी तरह बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ। तो देखें, सबसे पहले कि किसी भी लड़की को समझने के लिए ना तीन मेथड्स का यूज करना आप इजीली किसी को भी समझ सकते हो। नंबर वन है कि आप उसके बिहेवियर को नोटिस करके उसके एक्सप्रेशन से। नंबर टू है कि आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के। नंबर थ्री है कि क्वेश्चन रेज करके। इन तीन तरीकों से आप किसी भी लड़की के माइंड को डिकोड कर सकते हो, जान सकते हो कि वो क्या है, कैसी है और क्या चाहती है। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर वन, यानी कि उसके एक्सप्रेशन से, यानी बिहेवियर से। तो नंबर वन कैटेगरी होती है ना लड़कियों की, जो एक्सप्रेसिव कैटेगरी होती है, उसकी बिहेवियर काफ़ी बहुत एक्साइटिंगली वो तुमसे मिलेगी। जब भी वो बातें करेगी एक्सप्रेसिवली, सब कुछ बोलना चाहेगी तुमसे, वो कुछ भी छुपाना नहीं चाहेगी तुमसे। वो थोड़ा शाइनेस भी दिखाएगी, बट इतनी ज़्यादा शाइनेस नहीं कि वो तुमसे कुछ बोले नहीं। उसकी आंखों में, उसकी बातों में तुम्हें वो सारी चीज़ें दिख जाएंगी कि ये क्या चाहती है। लाइक जब तुम उससे बात करते हो तो वो तुम्हारी बातों को हुक करेगी, ना कि उस बातों टॉपिक को छोड़ेगी। वो उसी बातों पे आएगी कि तुम क्या बोल रहे थे, बताओ ना, यानी कि तुम्हारे बातों में वो इंटरेस्ट को दिखाएगी। नंबर टू है जो एक्सप्रेशन ओवर टॉकटिव, यानी कि बहुत ज़्यादा बातूनी, जो बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करती है। बेसिकली ऐसी लड़कियाँ होती है ना, खुद को नोटिस करवाना चाहती है। वो अपने लटकों झटकों से और अपनी बातों से इतनी ज़्यादा तुम्हें अट्रैक्शन करवाने की कोशिश करेगी, ताकि वो चाहती है कि तुम उसे प्रपोज करो, नोटिस करो, किसी भी तरीके से तुम उस पर ध्यान दो। यानी ऐसी लड़कियाँ तुमसे अट्रैक्शन फील करती हैं। थर्ड जो कैटेगरी है वो है मॉडरेट बिहेवियर शो करने वाली लड़की। बेसिकली ऐसी लड़की ना काफ़ी शांत रहती है, बट ये काफ़ी डेंजर है, ये भी जान लो। क्योंकि ऐसे लड़कियां जो है ना, वो चाहती है कि तुम आओ बात करने मुझसे, मैं क्यों जाऊँ। इन लड़कियों में थोड़ा सा एटीट्यूड होता है, ऐसा नहीं है कि वो हम एंगेज्ड है, बट वो ऐसा शो करती है जैसे कि वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तुम एफर्ट्स लगाओ, अगर तुम्हें मैं पसंद हो तो तुम एफर्ट्स लगाओ। बेसिकली ऐसी लड़कियाँ वेरीफाइंग कैटेगरी की होती है, वेरीफाइंग नेचर की होती है कि बंदा कैसा है, क्या करता है, कितना एफर्ट करता है और क्या इसके एफर्ट अगर ये करता है इंप्रेस करने के लिए, तो ही मैं इससे बात करूंगी। ये लड़कियां थोड़ा बहुत बॉयज़ के कांटेक्ट में होती हैं या फिर इनका पास्ट में कोई रिलेशन होता है जिससे इनको पता होता है कि बॉयज़ कैसे बिहेवियर करते हैं, तो ये लड़की थोड़ी ज़्यादा ही स्मार्ट होती है। और इस तरीके से आप जान सकते हो कि ये तीन कैटेगरी की लड़कियाँ कि इनका एक्सप्रेशन क्या है, बिहेवियर क्या है तुम्हारी और ये क्या सोचती हैं। मेथड नंबर टू यानी बॉडी लैंग्वेज। जब देखो तुम उसके आसपास जाते हो, वो आई कांटेक्ट करती है या नहीं, या आई कांटेक्ट से ही अपने लिमिट्स को सेट करती है। लाइक तुम्हें एक बार देखा और वो ज़्यादा भाव नहीं दे रही है, या फिर तुम्हें गुस्से से देख रही है, उसकी आंखों से ही पता चलता है कि वो तुम्हारे बारे में क्या तुम्हें बताना चाहती है। तो उसके आंखों में देखे गुस्सा है, अट्रैक्शन है, बार बार देख रही है। अगर किसी लड़की को तुमसे अट्रैक्शन है ना, तो तुम्हें बार बार देखेगी, कंटिन्यूसली आई कॉन्टेक्ट करेगी, टॉप टू बॉटम आपको देखेगी जरूर। नेक्स्ट है कि बॉडी लैंग्वेज देखिए कि क्या वो जब आप उसके सामने होते हो, वो थोड़ी बहुत हेजिटेट होती है, घबराहट होती है थोड़ी बहुत उसे, थोड़ी बहुत वो परेशान होती है कि मैं कैसे दिख रही हूँ, क्या मैं अच्छी हूँ या नहीं। ऐसा कोई लड़की तभी फील करती है जो उसे फर्क पड़ता है इस बंदे से कि ये बंदा अच्छा है, मैं इसे अट्रैक्ट हूँ, या फिर कुछ लव शव वो फील करती है, तभी खुद को तुम्हारे सामने प्रेजेंट करने के लिए इतना सीरियस होती है कि कहीं मैं कुछ खराब ना कर दूं या फिर मेरा बिहेवियर उसे बुरा ना लग जाए। इतनी फिक्र तभी होती है जब कोई किसी से अट्रैक्शन फील करता है। नेक्स्ट जो है वो मेथड है क्वेश्चन रेज करना। देखो सवालों से ये जवाब आते हैं, और जवाब कहाँ से आते हैं, उसके दिमाग से, उसके दिल से, वो क्या सोचती है। किसी लड़की के बारे में जानना है तो सवाल करो कि क्या वो अटेंशन पे करती है तुम्हें, बातें करती है, या फिर तुम्हारी बातों से भागती है। वो सीरियस है, रोमांटिक है, सेंसिटिव है, किस टाइप की बंदी है, ये जानने के लिए तो तुम्हें सवाल करने ही होंगे। अब सवाल क्या करना है, रोमांटिक सवाल, नॉर्मल सवाल, थोड़े इमोशनल सवाल। अब तुम स्मार्ट हो ही कि किसी लड़की से क्या सवाल किया जाए। तो ये तीन धांसु मेथड यूज करके आप किसी भी लड़की के माइंड को डिकोड कर सकते हो, जान सकते हो कि वो कैसी है, क्या सोचती है और उसका नेचर कैसा है।
होप सो कि आप उसके दिल की बात जानने में सक्सेसफुल हो और हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें क्योंकि वहां पे आपको बहुत सारी और भी ऐसी हैक्स मिलेगी जो कि किसी लड़की को समझने के लिए जरूरी होती है। होप सो कि आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर वॉच करेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।